મોડાસા જિલ્લાના દિયોદર ગામે કોરોના વાયરસને લઈને હાઈવે વિસ્તાર પર બંદોબસ્તમાં હતા. સિંહોરી તરફથી એક યુવક નંબર વગરનું બાઇક લઈને આવતા તેને અટકાવી પૂછપરછ કરવામાં આવી હતી, જેમાં યુવકે યોગ્ય જવાબ ના આપતા યુવકને પોલીસે ઝડપી પાડી દિયોદર પોલીસ મથકે લાવીને આગળની તપાસ કરતા યુવક પેથા જગા દેસાઈ હોવાનું જાણવા મળ્યું હતું, જેમાં બાઇક થરાદથી ચોરી કરી હોવાની કબૂલાત કરી હતી. અહેવાલ ગિરીશ જોશી, બનાસકાંઠા. जैसा कि कोरोना वायरस को लेकर लॉकडाउन चल रहा है, तो लॉकडाउन के दरमियान एसपी सर की सूचना के हिसाब से हमने ड्राइव रखी थी, वाहन चेकिंग की और जो बिना बात के घूमते हैं उनको उनके वाहन डिटेन करने की. तो इसी दरमियान सिहोरी तीन रास्ता से खिमाड़ा तीन रास्ता की और ये पर्सन जो है पैथा बाइक करके ये बिना नंबर की बाइक लेके आ रहा था. तो हमारे वहाँ पर पुलिस कॉन्स्टेबल प्रवीण सिंह ने जब पूछताछ की तो कोई वो संतुष्ट जवाब नहीं दे पाया उसको, तो उसके चलते हमने उसको पुलिस स्टेशन लेके आया. जब हमने आगे पूछताछ की तो पता चला कि ये जो बाइक है वो बाइक उसने थराद से चुराई थी. थराद में इसको लेके एप्लीकेशन भी दे रखी है. उसके बाद जब हमने और उसको पूछा तो उसके बैग में से 69,500 रुपीज़ कैश में मिले. तो जब आगे हमने पूछा तो उसने बताया कि ये जो चोरी उसने की है वावड़ी गाँव करके जो है वाव में वहाँ पुलिस स्टेशन के अंदर 4 अप्रैल को वहाँ से उसने चोरी की थी. तो ये जो पर्सन है ये पिछले 6 महीने से 2 बाइक चोरी करने के गुनाह में पालनपुर सब जेल में था और इसको पैरोल पे 31 मार्च से 1 जून तक छोड़ा गया था और इसने निकलते ही 4 दिन के अंदर 2 चोरियाँ कर दी है. तो अब हमने इसको फर्दर पूछताछ के लिए हम रखा है, उसके बाद हम जो भी है लीगल कार्रवाई इस पर की जाएगी.